अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन पॉकेट, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो झटपट से अगर हम निज़ाम में बनाना चाहें तो फटाफट से ये रेडी हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने मैदा लिया है, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, ईस्ट लिए हैं मैंने 1 पैकेट। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ऑयल शामिल करूँगी 1 चम्मच जितना। अब उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करके उसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट सी हम डो रेडी कर लेंगे। देखिए डो हमारी रेडी हो गई है। बस इसे ढक के मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट दे दूँगी। अब इसकी फिलिंग रेडी कर ली हूँ। चिकन लिया है मैंने बॉईल, नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, कैबेज ली है मीडियम साइज़ की, कुकुम्बर लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का, काली मिर्च ली है पिसी हुई, कुटी हुई मिर्च ली है, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, और मायोनीज लिया है मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। सब आधा घंटा हो गया है, मैदे को हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। इसको निकाल के अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से हम निकाल के अच्छे तरीके से इसको 200 में कर लेंगे और एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। इसका पेड़ा हमारा रेडी है। दूध लिया है मैंने, इसको अच्छे तरीके से इसमें डिप कर लूँगी। रूम टेम्परेचर पे दूध है ये, ना ठंडा ज़्यादा ना ही गर्म, बस दूध में हमने डिप कर लिया है। अभी ये सफ़ेद तिल है, अब इसको अच्छे तरीके से इसमें मैं कोट कर लूँगी दोनों साइड से, इसके साइड से भी अच्छे तरीके से इसे कोट कर लूँगी। और अब बेलन की मदद से इसे रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे, बिल्कुल पतला नहीं करेंगे, हम मोटा सा बेल लेंगे। अगर डो हमारी चिपक रही हो तो बस हमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे दोबारा से हम बेलेंगे। देखें थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हम रोटी बेल लेंगे और ट्राइंगल शेप में इसे मैं कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे 4 हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। बस इसी तरीके से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब एक एक करके इसमें मैं डालती जाऊंगी। मीडियम आंच पे हम इसे पकाएंगे और बस गोल्डन सा कलर दे देंगे इसे, तो बिल्कुल बाहर जैसे ही हमारे ब्रेड रेडी हो जाएंगे। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इसका, बस इसे निकाल लेंगे। बाकी सारे मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। देखिए कितना जबरदस्त सा कलर आया है इसका, बिल्कुल बाहर जैसे ही लग रहे हैं। बस सेंटर से इसे कट लगा लूँगी मैं। और जो हमने पैटर्न रेडी किया था इस पर थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पर रखती जाऊँगी। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी से फटाफट से हमारे रेडी हो जाते हैं चिकन पॉकेट। तो बस आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और रमज़ान में भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बॉक्स बहुत ही अच्छी वीडियो और नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।